Hello everyone, Assalamu alaikum. It's Dr. Rohasha with you from Dubai, Pakistani national. My education is MBBS qualified doctor. आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं channel Rise in Time Health and Beauty Tips पर, जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं ख़वातीन के मसाइल, उनकी information, इलाज, awareness और बहुत कुछ. आज हमारा topic है ovulation और how to calculate ovulation day through application, जो कि मेरा personal experience है. ये वीडियो उन ख़वातीन के लिए हेल्पफुल होगी जो हमल या प्रेगनेंसी के लिए परेशान हैं. अगर आप न्यू हैं और अभी तक हमारा चैनल राइज इन टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें. सो लेट्स स्टार्ट. आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक एप्लीकेशन है पीरियड ट्रैकर के नाम से. ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएंगी, बट आई हैव ट्राइड दिस वन, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी. सो लेट्स गो इन. आप इसे ओपन करें, पीरियड ट्रैकर के नाम से ये आपको मिल जाएगी. एंड देन ये आ गया हमारा चार्ट. ऐसा चार्ट आपके पास आ जाएगा. ये मेरी साइकिल के हिसाब से सेट है, बट आप इसे कर सकते हैं कैलेंडर में जाकर, जो भी आपकी डेट्स हों उसके हिसाब से आप इसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. ये जो रेड वाली, रेड और पिंक, आई डोंट नो कैसा आपको शो हो रहा है, अगर पिंक शो हो रहा है तो ये जो पिंक हैं बॉल्स, आप इन्हें देख सकते हैं. ये आपकी पीरियडिक टाइप टेबल होगी, मतलब पीरियड के डेज. सो मई, इन मई मुझे 2 times पीरियड्स आए, तो मेरी फ़र्स्ट साइकिल जो थी वो 1st May to 6th May थी. उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट साइकिल थी, मे बी ड्यू टू रमज़ान रोज़ों की वजह से, मेरी जो एक्चुअल डेट थी वो 30th थी, बट मुझे, मैंने ये रीसेट की है साइकिल, 25th को ही पीरियड्स आए थे, तो आई हैव सेट इट फॉर 25th. तो ये 25th से लेके 7 days मुझे चले, ये मैंने साइकिल खुद सेट किया है क्योंकि मेरा 5 days अर्ली मुझे आ गए थे. ठीक है, तो अब आ गए हम जून की साइकिल पर. इसमें जो आपको रेड दिख रहे हैं वो पीरियड्स के डेज़ हैं, और जो आपको ब्लू सर्कल्स दिख रहे हैं ये मीडियम चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट हैं, और जो डार्क ब्लू में दिख रहा है ये आप एक्चुअल ओव्यूलेशन डे है. ये जो है कैलकुलेट करती है हमारी, ये एप्लीकेशन कैलकुलेट करके आपको बता रही है, तो आप इसे एडिट अपने हिसाब से कर सकते हैं. अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसे कैसे रीड करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी जो पीरियड साइकिल है उसके हिसाब से 24th June को मेरा पीरियड का फर्स्ट डे होना चाहिए, तो होना चाहिए था, तो 24th June मेरा पीरियड्स का डे था. 24 to 25, 26, 27, 28, 29 और आप ये देख सकते हैं 30th, तो ये 7 days की साइकिल है. किसी की 5 days की भी होती है, 3 days की भी होती है, तो आप उसे कैलेंडर में अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे सेट करें. ठीक है, तो ये 7 days गुजरने के बाद आप देखें 30th June के बाद जो फर्स्ट डे है, ये आप यहाँ से देखें, पीरियड डे 1, day 2, day 3, day 4, 5, 6, 7, ओके. 1st July पे ओव्यूलेशन इन 8 days, मतलब 8 दिन के बाद मेरा ओव्यूलेशन डे बन रहा है. तो इधर लो चांस टू कंसीव, मतलब लो चांसेस हैं प्रेगनेंसी के. 2nd पे भी लो चांस, 3rd पे भी लो चांस, 4th पे जहाँ से देखें ब्लू साइकिल शुरू हो रहा है, ब्लू सर्कल्स आ रहे हैं डॉट्स में, यहाँ पे मीडियम चांस टू कंसीव. आपकी स्क्रीन का कलर भी चेंज हो जाएगा साथ ही. ठीक है, फिर ये लो चांस, सॉरी मीडियम चांस, मीडियम चांस, मीडियम चांस, मीडियम चांस, 8th ऑफ जुलाई तक मीडियम चांसेस हैं. ठीक है, तो आप देख लें 9th जुलाई जो है वो डार्क ब्लू हो गया है. तो आप चेक करें ये ओव्यूलेशन इन 1 day, बता रहा है 1 दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन डे है, मीडियम चांस टू कंसीव. आपने 9th पे क्लिक किया तो 9th जो है वो ओव्यूलेशन डे है. तो जो ओव्यूलेशन डे होता है, ये ओव्यूलेशन डेज जहाँ से शुरू होते हैं, आप शुरू के डेज छोड़ दें, लेकिन ओव्यूलेशन डे जिधर लिखा आ रहा है, इससे पहले लिखा आ रहा था मीडियम चांस टू कंसीव, थर्सडे को 9th of July आ रहा है हाई चांस टू कंसीव. तो जो लेडीज़ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं वो 9th of July
जो ओविलेशन डे है आपका, जैसे मेरा बन रहा है 9th of July, तो उस दिन ट्राई करें, 3 दिन 4 दिन लगातार करें, क्योंकि उसके बाद जो 4-5 दिन लगातार आएंगे, 5 डेज, वो होते हैं हाई चांस टू कंसीव। देखें तो 9 जो आपका ओविलेशन डे होगा, कोई भी डेट आपकी जो बन रही है, उसमें आपने ज़रूर मीटअप करना है वो डेट, और उसके बाद फर्दर 5 डेज जो भी हैं उसमें आप ट्राई कर सकते हैं अपने पार्टनर से मीटअप करें, और उससे पहले भी जब मीडियम चांसेस हैं तो भी आप कंसीविंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी, जहाँ ब्लू लाइंस ख़त्म हुई, फिर 14, 15, 16, 17 से आप देखें सारे लो चांस टू कंसीव आ गए, लो चांस, लो चांस, लो चांस, एंड द नेक्स्ट 24th इज़ माई पीरियोडिक डे। तो फिर आपकी पीरियड की नेक्स्ट डेट भी आपको बता रहा है। जो लोग 5 डेज़ की साइकिल रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी ट्राई विद जून, कि अगर आपको 17 जून को आए थे, लेट मी एडिट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पीरियड्स आए हैं 15 जून को, और आपकी 4 डेज़ की साइकिल है या 5 डेज़ की साइकिल है, तो आप इसे सेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। कैसे अपडेट करेंगे, यहाँ आ जाए, ये आके आप इन्हें ख़त्म कर दें। 17 से आपकी 3 डेज़ की साइकिल है, 4 डेज़ की साइकिल है, 5 डेज़ की साइकिल है, ऐसे सेट करके अपडेट किया आपने। अब नेक्स्ट आप देखें, जुलाई की साइकिल आपको बिल्कुल चेंज दिखाना शुरू कर देगा, अगस्त की बिल्कुल चेंज दिखाना शुरू कर देगा। इस तरह से आपकी जो ओविलेशन डे बन रहा है वो 2nd जुलाई बन रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। होपफुली आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।